अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट असाइनमेंट नंबर टू। चासर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। तो चासर जो है वो अपनी एज का रिप्रेजेंटेटिव कैसे है, मतलब उसने अपनी एज की नुमाइंदगी जो की है वो किस तरह से की है। सो क्वेश्चन नंबर 10 है इसी असाइनमेंट के हवाले से। Chaucer's pilgrims are not types and individuals, ठीक है। तो वो कहता है कि वो जो है वो एक ही वक्त में जो चौसर ने पिलग्रिम्स हमें दिखाए हैं वो एक ही वक्त में वो टाइप्स भी हैं और वो इंडिविजुअल्स भी हैं, ठीक है। अब टाइप का मतलब क्या है? टाइप मीन्स यूनिवर्सल, मतलब वो हमें जो है वो यूनिवर्सल लगते हैं। हमें ऐसा लगता है उनको देख के कि आज भी हमारी सोसाइटी में वैसे ही करेक्टर्स जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और हम उन करेक्टर्स को चलते फिरते अपने इर्द गिर्द जो है वो देखते हैं। जैसे कि हमने इसको जो है वो जब हमने इसके करेक्टर्स पढ़े थे तो हमें ऐसा ही महसूस होता था कि ऐसे ही रिलीजियस पर्सन जो है, रिलीजन को इसी तरह से फॉलो करने वाले लोग हमारे बीच भी जो है वो है, ठीक है। और उनकी एक अपनी जो है वो एक इंडिविजुअलिटी भी है, ठीक है। वो मतलब एक पर्सन के तौर पे भी चौसर ने उनको दिखाया है। तो ये दो चीजें वो पूछ रहा है हमसे कि वो यूनिवर्सल भी है और उनकी एक अपनी जो है वो पर्सनैलिटी भी है, अपनी एक शख्सियत भी है। आपने देखा कि जो हमने करेक्टर्स को एक दूसरे को जो है वो मतलब जब हमने करेक्टर्स का एनालिसिस किया तो हमने देखा कि हर करेक्टर जो है वो एक दूसरे करेक्टर से जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस हवाले से भी वो पूछ रहा है कि हर करेक्टर जो है वो दूसरे से डिफरेंट है, हर किसी की जो ट्रेट्स है वो अलग है। ट्रू टू देयर ओन एज, ठीक है, मतलब ये जितने भी करेक्टर्स हैं वो हमें जो है वो उस एज के बारे में बता रहे हैं, 14th सेंचुरी के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो 14th सेंचुरी में लोग जो होते थे वो किस तरह के होते थे। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, और जनरली पूरी की पूरी पूरी ह्यूमैनिटी को भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब ह्यूमैनिटी के बारे में भी हमें बता रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो किस तरह के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इसने हमारे जो है वो कंप्लीट पूछा है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं अगर इस असाइनमेंट की शॉर्टली अगर बात करूँ तो ये असाइनमेंट जो है ये बेसिकली हमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएगी, ठीक है, कि उस वक्त जो रिलीजन था वो किस तरह से फॉलो किया जा रहा था, ठीक है। जैसे उसके बाद जो इसके कैरेक्टर्स हैं पिलग्रिम्स हैं उनकी ड्रेसिंग क्या है उसके बारे में भी बताएगी, उनकी नेचर क्या है उसके बारे में भी बताएगी, ठीक है। चौसर ने किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया और करेक्टर्स में ढाल दिया इसके बारे में भी डिस्कशन होगी, ठीक है। मतलब ईच एंड एवरी थिंग जो भी हम करेक्टर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, इनकी ह्यूमन नेचर से लेके इनके घोड़ों से लेके इनकी जो है वो चाल चलन हर चीज, इनकी टेल्स तक हर चीज की जो डिस्कशन है वो इसमें आएगी। और ये सारी चीजें मिलके बेसिकली चौसर की जो 14th सेंचुरी की सोसाइटी थी, इंग्लैंड की सोसाइटी थी उस दौर में, उसको जो है वो प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और यही चीज जो है वो आज भी हमारी सोसाइटी में जो है वो पाई जाती है। हम ऐसे ही लोगों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द मूव करते हुए, इसी तरह की नेचर जो है वो लोगों में होती है। ह्यूमन नेचर कैन नेवर चेंज, ठीक है, कभी भी बदली नहीं जा सकती है, ठीक है, ना ही इंसान इसको जो है वो बदल सकता है। मतलब कहने के काम करने के तरीके बदल जाते हैं लेकिन नेचर वही रहती है, ठीक है। इस चीज को जो है वो इस असाइनमेंट पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौसर हैड एन इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो यहाँ पे चौसर को जो है वो अप्रिशिएट किया जा रहा है कि दैट ही इज अ ग्रेट ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर। चौसर ने ह्यूमन नेचर को जो है वो बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। ही न्यू हाउ डिफरेंट पीपल वुड बिहेव, उसको पता है कि लोग किस तरह से बिहेव करते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस में। ही हैड ऑब्जर्व पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेशंस रैंक्स एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। तो हमने देखा कि हर वॉक ऑफ लाइफ का जो बंदा है हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, वहाँ पे पार्सन भी है, वहाँ पे नाइट भी है, वहाँ पे स्क्वायर भी है, वहाँ पे ट्रेडर्स भी हैं, ठीक है, और रिलीजियस पर्सन भी काफी हैं और पेजेंट भी, ये जो है वो हमने देखा।
हमने उस दौर की वुमेन को भी देखा और उस दौर के मैन को भी देखा, ठीक है। मतलब जब हमने कैरेक्टर पढ़ा और हर क्लास के जो है वो बंदे को देखा, ठीक है। और वहां पे जमींदार भी था, वहां पे डॉक्टर भी था, वहां पे मैन ऑफ लॉ भी था, वहां पे फिलोसोफर क्लर्क की शक्ल में हमने देखा, वहां पे रिलीजन को सही फॉलो करने की शक्ल में पार्सन को देखा जो रिलीजन को मिसयूज करते थे, ठीक है। वो हमने फ्रायर मंक और उसके बाद जो है वो प्रायरस, ये तीन कैरेक्टर्स हमने देखे कि रिलीजन को किस तरह से मिसयूज करते थे। उसके बाद टाइप डी में कैरेक्टर जो है वो हमने देखे पार्डर और समडर, वो किस तरह से रिलीजन को मिसयूज करते थे। ये सारे जो है वो हमने देखे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वो ह्यूमन नेचर को ही तो दिखा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। ही वॉज एबल टू क्रिएट कैरेक्टर्स हु आर ट्रू टू लाइफ। ये जितने भी कैरेक्टर्स इसने हमें दिखाए हैं ये ट्रू टू लाइफ है, ठीक है। हमें देखने में लगता है कि ये कैरेक्टर्स जो है वो रियलिटी में भी आज भी एग्जिस्ट करते हैं। हिज पिलग्रिम्स आर रियल ह्यूमन बींग्स। तो उसके जो पिलग्रिम्स हैं वो जो मजहबी सफर पे जा रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है कि वो रियल ह्यूमन बींग है। हमारे सामने बिल्कुल जो है वो एक स्केच की शक्ल में उनको जो है वो प्रेजेंट कर दिया गया है। दे आर ऑल्सो टिपिकल ऑफ देयर क्लासेस क्लासेस आर प्रोफेशन, ठीक है। उनकी टिपिकल क्लास बताई गई है, प्रोफेशन बताया गया है। टुगेदर दे गिव अस अ पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। सो 14th सेंचुरी इंग्लैंड जो है वो हमें दिखाया गया है। दे हैव ए सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, उसमें हमें ह्यूमैनिटी के बारे में बताया गया है, ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया है। मंक जैसे लोग जो है वो आज भी हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं। फ्रायड जैसे लोग भी हमारी सोसाइटी में आज भी पाए जाते हैं। जब हमने कैरेक्टर्स को पढ़ा था क्लास में तो मैंने काफी डिटेल से जो है वो ये चीजें जितनी भी हैं डिस्कस की थी। आप एग्जाम्पल्स जो है वो वहां से उठा सकते हैं। देयर ड्रेसेस आर एंड मैनर्स माइट हैव चेंज्ड बट दे आर स्टिल अलाइव अमंग अस। तो कहता है चौसर ने मतलब जो भी हमें कैरेक्टर दिखाए, ठीक है। वो कैरेक्टर्स जो हैं हमने देखा कि वो इसी तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो आज भी हमारे बीच हमारे दरमियान जो है वो मौजूद हैं। ऐसे कैरेक्टर्स हम अपने इर्द गिर्द घूमते हुए देखते हैं। उनके ड्रेसेस ड्रेस जो है वो स्टाइल चेंज हो गया है लेकिन नेचर चेंज नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद मैनर्स भी चेंज नहीं हुए लोगों के, तो ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज नहीं होती। अच्छा, इसमें हम अब दोनों क्लासेस के लोग दिखाए गए हैं। वो वॉरियर भी दिखाता है नाइट की शक्ल में हाई क्लास, और वो क्लो मैन की शक्ल में हमें लो क्लास भी दिखाता है कि जो क्लो मैन जो उस वक्त जो किसान थे वो किस तरह के थे, और जो एक हाई लेवल बंदा होता था हाई क्लास का बंदा होता था वो उसने नाइट की शक्ल में हमें दिखाया। द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल इज सॉर्ट ऑफ पिक्चर गैलरी। सो इट्स लुक लाइक अ पिक्चर गैलरी, कि इसमें पिक्चर्स लगाई गई हैं अलग अलग कैरेक्टर्स की जो हमें उस दौर के बारे में बताती हैं। वहाँ के प्रोफेशन क्या थे उस दौर के, वहाँ का रहन सहन क्या था, वहाँ लोगों की सोच क्या थी, किस तरह लोग जो है वो करप्शन करते थे, किस तरह से जो है वो अच्छे लोग भी थे रिलीजन को फॉलो करने वाले। तो ये आप एग्जाम्पल जो है वो डिफरेंट कैरेक्टर से उठा सकते हैं। Each pilgrims is brought before us such a sharp, clear detail that we get clear impression of his as a real individual. तो इंडिविजुअल के तौर पे भी हमें दिखाए गए हैं सारे कैरेक्टर्स। उनकी बड़ी शार्प और क्लियर डिटेल जो है वो हमें चौसर ने दी है। मूव करते हैं जी अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। अच्छा जी, सो मेक्स द करेक्टर्स लिविंग बाय मैंशनिंग देयर मैनरिज्म। सो ये जितने भी करेक्टर्स हमें दिखाए गए हैं ये कहने के इनकी एक अलग अपनी जो है वो पहचान है। मैनली हैज फॉर्म ओरिजिनल्स फॉर मोस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। सो ये ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, हमारे सामने प्रेजेंट किए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जी इन लार्ज विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम करेक्टर्स। तो ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं आप इनकी एग्जाम्पल्स जो है वो दे सकते हैं, जो आपको पता है कि हमने सिलेक्टिव कैरेक्टर्स पढ़े हैं।
तो वो जो सिलेक्टिव करेक्टर्स पढ़े हैं उनमें से आप जो जो करेक्टर्स पढ़े हैं उसकी एग्जांपल्स उठा सकते हैं जो आपको पता है, ठीक है। सो चौसर गिव्स कंक्रीट डिटेल ऑफ ईच पिलग्रिम्स फिजिकल अपेयरेंस, उनकी फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बताता है, जैसे मंक के बारे में बताया, उस पर कितना ज्यादा उसने ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश की, प्राइडस की फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बताया गया, हर हर करेक्टर की फिजिकल अपेयरेंस के बारे में उसने हमें बताया है, उसके ड्रेस के बारे में बताया है, सोशल रैंक के बारे में बताया है, वो मॉरली करेक्टर कैसा है उसके बारे में बताया है, और इवन उनके घोड़े कैसे थे उसकी भी डिटेल दी है। ही नोटिस दैट मिलर माउस वॉज बिग एज अ फ्यूरेंस, ठीक है। तो फ्यूरेंस की तरह जो है वो एक भट्टी की तरह मिलर का मुंह जो है वो बहुत बड़ा है, उसके बारे में मतलब ये जो ह्यूमर और आयरनी क्रिएट उसने करने की कोशिश की है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है ये मिलर की डिटेल यहाँ पे दी गई है, ठीक है। फ्रैंक द फ्रैंकलिन हैड रेड फेस, फ्रैंकलिन का किस तरह से फेस जो था वो रेड था, ठीक है। फॉक बियर्ड, उसकी शाहदार दाढ़ी थी, वाइट एज डेजी, ठीक है। उस डेजी के मतलब वो जो है वो डेजी की तरह, डेजी फूल जो था उसकी तरह वाइट था, ठीक है। और उसकी वो जो हैबिट्स उसने बताई थी कि किस तरह से वो शराब पीता था, और सुबह सुबह जो है वो उसके शराब का नाश्ता ही पसंद था, ठीक है। किस तरह रोटी को शराब में डिबो के जो है वो सुबह का नाश्ता किया करता था, उसके घर में हर वक्त जो है वो खाने का टेबल तैयार रहता था। तो ये सारी चीजें उसने हमें डिटेल जो है उनकी, उनके ट्रेट्स, उनका सोशल रैंक, उनकी ये सारी, उनकी अपेयरेंस कैसी थी, ये सारी चीजें हमें बताई हैं उसने। द मंक हैड प्रोट्रूडिंग आईज, ठीक है। और किस तरह से मंक की आईज जो है वो किस तरह से उसके माथे पे रोल करती रहती थी, उसका सर जो है वो गंजा था। उसके बाद इसके साथ साथ उसने उसकी जो लाइवली जो हैबिट्स हैं उनके बारे में भी बताया। पार्टनर हेयर वॉज येलो एज वैक्स, तो पार्टनर के जो बाल थे वो किस तरह से येलो थे और वैक्स की तरह जो थे, ठीक है। इसी तरह समनर जो है वो उसका जो पिंपल से भरा हुआ फेस था वो भी हमें उसने जो है वो बताया, मतलब हर चीज की जो है वो उसने डिटेल दी। इवन आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं कि किस तरह से समर से जो है वो बच्चे डरा करते थे, ठीक है, और फेस रेड था और ये सारी चीजें। तो फिजिकल अपेयरेंस के बारे में जो जो आपको कह लें कि चीजें बताई गई हैं करेक्टर्स में, वो आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे के उनको बड़ा कर सकते हैं। चौसर पेज पर्टिकुलर अटेंशन टू द ड्रेसेस नॉट ओनली बिकॉज ड्रेसेस इंडिकेट्स पर्सन स्टेज, तो ये जितने भी ड्रेसेस हैं उनके टेस्ट के बारे में भी हमें बताते हैं कि उनका टेस्ट क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनकी बाकी जो चीजें हैं वो क्या है, उनके प्रोफेशन क्या है। तो हर किसी का जो ड्रेस है वो उसके प्रोफेशन के बारे में भी हमें बता रहा है। जैसे नाइट का जो ड्रेस था उसने जो आर्मर पहना हुआ था उसके उसके आर्मर की वजह से जो है वो उसकी जो वेस्टकोट थी उस पे जंग लग गया हुआ था। सो ये उसकी सिंप्लिसिटी भी बताता है और उसका ड्रेस जो है वो उसका प्रोफेशन भी बता रहा है। यो मैन ने हुड पहना हुआ था, ठीक है, उसके बाद कोट पहना हुआ था। मंक जो है वो लीडर ऑफ फैशन था, किस तरह से वो फैशन किया करता था, किस तरह उसकी जो स्लीव्स थी उनमें जो है वो बड़ा फाइन किस्म का फर लगाया गया था, और वो जो है वो अपनी कहने के वो उसका जो हुड होता था उसकी उसको जो है वो अपनी थोड़ी के नीचे बांधने के लिए जो है वो पिन लगाया करता था, और वो पिन भी गोल्ड की बनी हुई थी। और ये फैशन भी दिखाया है उस दौर का, ड्रेसेस दिखाए हैं और उसके साथ साथ जो है वो उसने फैशन भी दिखाया है, उनके प्रोफेशंस भी दिखाए हैं। क्लर्क जो है उसका ड्रेस जो दिखाया गया वो उसका टेस्ट बता रहा था। वो अपने जो है वो उसका थ्रेड बियर जो है वो कोट था, धागे निकले हुए थे उसके, ठीक है। उसके बाद जो चीज ये चीज शो करता है कि उसको कपड़ों का शौक नहीं है, बेसिकली उसको तो लर्निंग का शौक था। द रीव वोर अ लॉन्ग सो कोट ऑफ फर्स, तो रीव ने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ था वो बता रहा है। उसके बाद इसका बताया गया है द मैन ऑफ लॉ, ठीक है, जो हर वक्त पोर्च में ही घूमता रहता था, और बहुत सी टर्म्स और जो जो है वो उसने याद की हुई थी, ठीक है। मल्टी कलर का उसने कोट पहना हुआ था, तो ये सारी चीजें हमें बता रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, पहले हम उसने जो है वो
हमें उनके रैंक के बारे में, मॉरल ट्रेड्स के बारे में बताया, फिर ड्रेस के बारे में बताया। अच्छा, तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये बेसिकली रिप्रेजेंट ही कर रही हैं कि उस दौर में लोग क्या पहना करते थे, लोगों की नेचर क्या होती थी, लोगों के प्रोफेशंस कौन कौन से होते थे, और ये सारी चीजें हमें जो है बताई जा रही हैं। किस तरह लोग जो है वो चर्च को और रिलीजन को जो है वो मिस यूज करते थे, ठीक है, एक्सप्लॉइट करते थे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ये सारी चीजें हमें दिखा रहा है चौसर। चौसर आल्सो पे अटेंशन टू द साउंड, ठीक है, ना सिर्फ उसने ड्रेसेस को देखा बल्कि साउंड्स को देखा, जैसे मंक की जिंगलिंग साउंड, उसके जो वो जो उसका जो घोड़ा है उसकी बेल्स को जो है वो कंपेयर करता है चर्च की बेल्स के साथ, जिंगलिंग साउंड जो उसमें आती है उसको, ठीक है। उसके बाद जो प्राइरस नाक में बोलती है, ठीक है, नोज में बोलती है जब वो सॉन्ग गाती है, तो उसको भी वो नोट कर रहा है। चौसर यहाँ पे दिखा रहा है कि वो कितना बड़ा ग्रेट ऑब्जर्वर है, ठीक है, उसने देखें एक एक चीज जो है वो नोट की है। तो यहाँ पे किस तरह से वो अपने जो है वो एज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बड़े अच्छे वे में जो है वो रिप्रेजेंट किया है उसने। अच्छा, उसके बाद फायर जो है, जब वो जो है वो लिस्ट करता था, तोतला गाता था, जब भी उसने किसी से जो है वो पैसे बटोरने होते थे अपनी वॉइस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपनी इंग्लिश को अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो जो है वो थोड़ा सा तोतला बोलता था। अच्छा, उसके बाद पार्टनर की जो वॉइस है उसको एक गोट की वॉइस के साथ जो है वो कंपेयर किया गया है। समनर की आवाज के बारे में बताया गया है कि जब ये दो, फिर कंबाइन भी उसने बताया कि जब ये दोनों मिलके गाते थे तो ऐसे लगता था कि जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जो है वो आवाज आ रही है, ठीक है। इवन उनके हॉर्स के बारे में भी जो है वो उसने डिटेल दी हमें कि जिसका जिस तरह का हॉर्स है उसी तरह की उसकी पर्सनैलिटी भी है। जैसे नाइट का जो हॉर्स था वो बड़ा फाइन था और बड़ा जो है वो, जैसे उसने कहा, ही वॉज नॉट गे, ठीक है, जैसे उसका हॉर्स तो बड़ा प्यारा लग रहा था लेकिन नाइट जो है वो बजाते खुद अपने हार्ट से जो है वो ज्यादा प्यारा नहीं लग रहा था। इस तरह उसने जो है वो थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट किया है, लाइट हार्टेड कॉमेडी जो है वो क्रिएट करने की कोशिश किया कि नाइट से ज्यादा तो उसका घोड़ा अच्छा लग रहा था, घोड़ा प्यारा लग रहा था। द मंक हॉर्स वॉज एज ब्राउन ब्राउन एज अ बेरी, तो मंक का जो हॉर्स था वो बेरी की तरह ब्राउन था। क्लर्क का जो हॉर्स था वो बड़ा उसी की तरह जो है वो उस बेचारा पतला सा था, ठीक है, जैसे क्लर्क की पर्सनैलिटी थी वैसा ही उसका हॉर्स भी था। सो हॉर्स के जरिए भी उसने जो है वो पर्सनैलिटी को दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, उसके बाद दीज कंक्रीट डिटेल्स मेक पिक्चर ऑफ पिलग्रिम्स कम बिफोर आवर आइज, ही डज नॉट मेंशन दीज डिटेल इन द सेम ऑर्डर। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हैं इनका जो है वो सेम ऑर्डर नहीं है, किसी की वो किसी के कैरेक्टर के बारे में पहले बताता है और फिर बाद में उसकी फिजिक और उसके जो है वो बाकी चीजों के बारे में बताता है, लेकिन किसी में पहले फिजिकल अपेयरेंस के बारे में बता देता है और बाद में जो है वो उसके कामों के बारे में बताता है। तो ये हैपहैजर्ड है, मतलब एक तरतीब चौसर ने नहीं रखी, किसी में कोई चीज पहले आ रही है और किसी में कोई चीज पहले आ रही है, लेकिन ये जितनी भी चीजें आती हैं इनमें कोई तरतीब तो ऑर्डर तो नहीं रखा गया, लेकिन ये पिलग्रिम्स जो हैं वो इनकी पर्सनालिटी, हर किसी की पर्सनालिटी जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और ये हमें रियल ह्यूमन बीइंग्स की तरह जो है वो लग रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, एट द सेम टाइम पिलग्रिम्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस, इन्हीं के जरिए डिफरेंट प्रोफेशंस भी दिखाए गए हैं, ठीक है, जैसे नाइट दिखाया गया है, उस दौर में वॉरियर्स कैसे थे, डॉक्टर दिखाया गया है, फ्रायर दिखाया गया है, और इसके अलावा मंक और बाकी प्लोमैन और ये सारे जो है इन सब का जो जो प्रोफेशन है वो भी चौसर ने दिखाया है, जो इस चीज को बताते हैं कि उस दौर में किस किस तरह के प्रोफेशन जो है वो हुआ करते थे, प्रोफेशंस की नेचर क्या होती थी, तो इस चीज की भी डिटेल जो है वो हमें दी गई है। अच्छा जी, अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, द पिलग्रिम्स आर आल्सो पैटर्न ऑफ डिफरेंट क्वालिटीज, उनकी क्वालिटीज के भी बारे में बताया है, जैसे नाइट जो है वो बहुत ज्यादा उसको ब्रेवरी का सिंबल बनाया और नोबिलिटी का सिंबल बनाया,
पार्सन है, तो पार्सन को उसने पार्टी का सिंबल बनाया, नेकी का सिंबल बनाया कि नेक लोग जो है वो किस तरह से हुआ करते थे उस दौर में। जैसे क्लर्क है तो उसको जो है वो लर्निंग का सिंबल उसने बनाया है, पार्टनर है, और ये फ्रायर और समनर और ये जितने भी रिलीजियस कैरेक्टर्स थे वो सारे जो है वो किस तरह से रिलीजन में करप्शन हुआ करती थी उसको जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद वाइफ ऑफ बाथ जो है वो हमें दिखाया गया कि किस तरह से उस दौर में लोग जो है वो लस्टफुल भी हुआ करते थे, ठीक है। जैसे वाइफ ऑफ बाथ के बारे में हमें बताता है कि उसने 5 शादियां की हैं और बहुत ज्यादा उसके अफेयर्स भी हैं और उसका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये जो है किस तरह से हमें जो है वो वाइफ ऑफ बाथ के जरिए वो लस्ट के बारे में भी बताता है। स्क्वायर जो है वो उस दौर की यूथ को रिप्रेजेंट कर रही है, और प्लोमैन जो है ये भी एक कहने के जो पार्सन का कहने के पर्सनल सेक्रेटरी था, ठीक है, ये उसके बारे में भी बताया गया कि वो भी पार्सन की तरह किस तरह से चैरिटी करता है और कितना जो है वो एक नेक शख्स है। अच्छा, उसके बाद हमें जो है वो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि नो डाउट के बैड जो है वो डोमिनेंट हमें नजर आया। जब हमने चौसर के कैरेक्टर्स पढ़े तो ज्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे पढ़े जो बहुत ज्यादा बुरे थे, उनमें बुराइयां बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा भी था कि जब जहाँ पे बुराई थी वहां पे अच्छाई भी हमें नजर आई। जैसे नाइट का कैरेक्टर हमने देखा तो वो हमें एक अच्छा जो है वो कैरेक्टर नजर आया, जैसे पार्सन का देखा, क्लर्क का देखा, तो जहाँ पे इवल होता है वहां पे अच्छाई भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही होती है। नो डाउट इवल जो है वो हमें डोमिनेंट नजर आ रहा होता है और इवल जो है वो हर जगह पे फैला नजर आ रहा होता है, लेकिन अच्छाई भी उसके साथ साथ एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अच्छे लोग भी दिखाए हैं उसने अपनी एज में और बुरे लोग भी उसने दिखाए हैं। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है कि चौसर के जो कैरेक्टर हैं वो एक अपने आप में एक पर्सनैलिटी भी है, उनकी सबकी क्वालिटीज एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वो यूनिवर्सल भी हैं और उस एज को भी क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे प्राइडस का करेक्टर उसने हमें दिखाया तो वो मिडीवियल टाइप, ठीक है, तो प्राइडस जो है अगर हम देखें तो सॉरी, सो प्राइडस का करेक्टर जो है वो हमें जो है वो कहने के एक यूनिवर्सल जो है वो करेक्टर दिखाया गया है। जैसे किस तरह से जो लोग होते हैं वो प्रिटेंड करते हैं, ठीक है, जो वो नहीं होते वो दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरह से हमें जो है वो दिखाया गया। और उसके साथ साथ ये तो थी उसकी यूनिवर्सल यूनिवर्सिटैलिटी, ठीक है, कि ऐसे लोग जो है वो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन उसके जो है वो कुछ अपनी पर्सनल ट्रेट्स भी तो थी, ठीक है। सो वो भी हमें दोनों साइड से जो है वो चौसर ने कैरेक्टर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ में, अच्छा, उसके बाद देखिए, एज वी रीड द कैंटरबरी टेल वी सीम टू सी बिफोर आवर आईज द इंटायर ब्रिटिश नेशन। तो हम देखते हैं कि पूरी ब्रिटिश नेशन जो है वो हमारे सामने जो है वो आ जाती है, ठीक है, पूरी ब्रिटिश नेशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहे हैं कैरेक्टर्स। द 30 पिलग्रिम्स रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द होल इंग्लैंड। तो वो जो 30 पिलग्रिम्स हैं वो पूरे के पूरे इंग्लैंड को हमारे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे के पूरे इंग्लैंड की सोसाइटी कैसी थी वो हमें समझ आती है कि ये ऐसी थी, ठीक है, और आज भी वैसे लोग पाए जाते हैं। वहां पे वॉरियर्स भी थे, वहां पे मर्चेंट्स भी थे, वहां पे पेजेंट्स, क्लर्जी मैन, ये सारे लोग जो है वो उसमें हमें दिखाए गए हैं अलग अलग प्रोफेशन के। अच्छा, बट दीज पिलग्रिम्स आर नॉट मेयर 14th century टाइप। ये देखें कि ये जो करेक्टर्स हैं ये सिर्फ उसी दौर के हमें करेक्टर्स जो है वो नहीं लगते, बल्कि ये तो हमें यूनिवर्सल लगते हैं। ऐसा लगता है कि ऐसे कैरेक्टर आज भी हम में मौजूद हैं, हम हमारे इर्द गिर्द जो है वो रोज मूव करते हैं और ऐसे ही कैरेक्टर्स के साथ हम रोज मिलते हैं, हमारा रोज इनसे जो है वो वास्ता पड़ता है। दे हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, तो उनमें हमें एक जो है वो यूनिवर्सिटैलिटी जो है वो नजर आती है। ह्यूमन नेचर हैज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू सेंचुरी। तो ह्यूमन नेचर जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो मतलब ह्यूमन नेचर जो है वो चेंज नहीं हुई। उस दौर में भी 14th century में भी लोग ऐसे ही थे, वैसे ही थे जैसे आज है। नेचर जो है वो चेंज नहीं हुई, तरीका कार बदल गया है, ड्रेसिंग बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया, लेकिन नेचर वही है।
ठीक है। अच्छा, इस चीज के बारे में जो है वो चौसर ने हमें अपने कैरेक्टर्स में बताया है। सो वी फील दैट वी माइट मीट दीज पर्सन्स एनी डे अराउंड अस, दे आर ट्रू टू ह्यूमन नेचर। तो ये वही बात जो मैंने कर दी है। तो लास्ट पे वो कह रहा है दे बिलोंग टू ऑल एजेस। तो उसके जो करेक्टर्स हैं वो जितनी भी एजेस हैं उन सब से बिलोंग करते हैं। उन हर एज में वैसे लोग पाए जाते हैं। जैसे विलियम ब्लेक जो है वो चौसर की तारीफ करते हुए कहता है कि उसके जो करेक्टर्स हैं सम ऑफ नेम्स एंड टाइटल्स आर चेंज्ड। तो उनके नाम और टाइटल्स तो चेंज हो गए हैं लेकिन नेचर की अगर बात की जाए तो नेचर सेम वही है, उनकी नेचर चेंज नहीं हुई। तो ब्लेक जो है वो विलियम ब्लेक इस तरह से चौसर की तारीफ करते हुए कहता है कि उसके जो करेक्टर्स हैं वो यूनिवर्सल बनाए गए हैं। ठीक है, उनकी जो कह लें कि वैसे कैरेक्टर्स आज भी हमें मिलते हैं। अच्छा, दस वी कैन से दैट, अब इसका ये कंक्लूजन है, दस वी कैन से दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ देयर फिजिकल फीचर्स, देयर पेक्युलैरिटीज एंड मैनर्स, देयर विम्स एंड देयर फैंसीज एंड देयर ड्रेसिज एंड हॉर्सेस, दे सीम टू बी इंडिविजुअल मैन। तो अपने आप में वो जो है यूनिवर्सलिटी तो पाई जाती है लेकिन अपने आप में जो उनके फिजिकल फीचर्स उसने बताए हैं और जो उनके मैनर्स बताए हैं और जो उनके मतलब ड्रेसेस बताए हैं, उनके हॉर्स की डिटेल दी है, तो ये सारी चीजें जो है वो उनको इंडिविजुअलाइज्ड भी करती हैं कि उनके अपने शौक क्या थे। नेचर को तो बताते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनके अपने शौक क्या थे उसके बारे में भी बताया गया है। ईच वन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हिज क्लास और प्रोफेशन। तो हर कोई करेक्टर जो है वो अपनी क्लास को और अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है। टुगेदर दे आर एन एपिटोम ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। तो ये सारी चीजें मिलके पूरी 14th सेंचुरी इंग्लैंड जो एज थी, ठीक है, जो मिडीवियल एरा था, मिडीवियल पीरियड था, इसको इंट्रोडक्शन में भी हमने डिस्कस किया था। तो मिडीवियल एरा जो था उस सारे इरा को जो है वो टोटल इसके करेक्टर्स हमें दिखा रहे हैं। एट द सेम टाइम ड्यू टू चौसर्स फर्म ग्रिप ऑन ह्यूमन नेचर हिज क्रिएशंस बिलोंग ऑल एजेस एंड क्लाइम्स। तो ये सारी एजेस जो है वो हमें दिखाते हैं इसके करेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो है वो लेके आपके सामने हाजिर हूँगा। तब वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।